हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए फूड इंस्पेक्टर और पीएससी के लिए टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। अगर आप लोगों को किसी तरह की टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरा शासन डायरकी को समाप्त किया गया है? तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं 1935, 1919, 1909, 1945। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए 1935। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 24, संविधान के निर्माण किस योजना में दिए गए प्रावधानों के आधार पर हुआ था? ऑप्शन देख सकते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, क्रिप्स प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए यहाँ देख सकते हैं 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? ऑप्शन देख सकते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, बी एन राव, राजेंद्र प्रसाद, जे एल नेहरू। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज्य सभा रख लिया? ऑप्शन देख सकते हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? ऑप्शन देखिए एम ए जिन्ना, मौलाना अब्दुल कलाम, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए एम ए जिन्ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आप लोग इसे देखकर पॉज करके इसके आंसर बताइएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 28 का आ जाएगा ऑप्शन ए केवल एक, श्रीशैलम, नल्लमला, पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी अपराधी के अपराध को क्षमा, प्रतिलंबन, परिहार कम कर सकता है? ऑप्शन देख सकते हैं अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 61। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 123। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन सी लोकसभा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 15% निर्धारित की गई? तो ऑप्शन देख सकते हैं 91वां संशोधन, 92वां संशोधन, 89वां संशोधन, 98वां संशोधन। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए 91वां संशोधन। तो दोस्तों, इसी तरह के टेस्ट सीरीज के लिए ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।